आज है 5th of July और अभी बज रहे हैं 12:30। अभी मैं जो कल वाला व्लॉग था उसको एडिट कर रहा था और साथ ही साथ अभी मैं बना रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट जो मेरी पहली मील होने वाली है। उसके लिए मैं बना रहा हूँ ओट्स लेंगे, नॉर्मल दूध वाले ओट्स, आलमंड, फ्लेक्सीड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेइंग स्केल, वेट करना जरूरी है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो वेट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं मैंगोज और थोड़ा दूध। थोड़ा सा, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो थोड़ा सा आप डेली ले सकते हैं। और मैं ओट्स में लेना पसंद करता हूँ। एंड ओट्स में नो शुगर, अभी शुगर बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि जो भी मेरे पास सीजनल फ्रूट होता है, जैसे कि मैं अभी इसमें मैंगो यूज़ कर रहा हूँ, आप बनाना यूज़ कर सकते हैं या आप किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा मिठास का। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप शुगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसे तो मैं शुगर इनटेक करता ही नहीं हूँ, मेरी चाय से लेकर कोई भी चीज़ होती है जो मैं इनटेक करता हूँ वो शुगर फ्री होती है, उसमें शुगर डलती ही नहीं है। ओट्स रेडी और साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें बहुत सारे मैंगोज। जब मेरी पहली मील है मैं वो लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं करूँगा एडिटिंग और साथ ही साथ अपना ऑफिस का काम। अभी टाइम हो रहा है 2:56। अभी ऑफिस भी चल रहा है साथ में और साथ में मैं अपना एडिटिंग का काम भी कर रहा हूँ। और मुझे लास्ट पहली मील में मिल ली थी ब्रेकफास्ट की, वो मुझे लिए हुए शायद अभी 2-2.5 घंटे हो गए हैं। मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है तो मैं लंच करूंगा। और लंच के लिए मोस्टली मेरा लंच सेम ही रहता है, 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन, 50 ग्राम्स ऑफ व्हाइट राइस लेता हूँ। मोस्टली मेरा जो दिन का प्रोटीन इनटेक होता है वो मेरा इस मील से पूरा हो जाता है। दो मैं पकड़ू मैं गेट पे बाहर ही खड़ा हूँ, आ जाओ। मैं यहाँ से बुक करी गौर सिटी से बोटानिकल के लिए मेट्रो, मतलब ऑटो बुक कर रहा था। एक ने बोला 130 और दूसरे ने बोला 180 और उसके बाद बोलते हैं 250 और 280 रुपए। मैंने अभी ऊबर पे चेक किया तो अभी 146 दिखा रहा था। सामने सामने रेट बढ़ा रहे हैं, फिर बोल रहे भैया ऊबर ही बुक कर लो, अपने रेट कम नहीं कर रहे। अभी बज रहा है 5:40 और अभी तक वीडियो एडिट नहीं हुई है क्योंकि काम ज़्यादा था ऑफिस का। अभी एडिट करके फिर मैं करूँगा जिम। जो ये वाला ब्लॉग है ये भी एडिट करना पड़ेगा रात को ताकि आप इसको कल देख पाओ। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है रेंडर होना, और ये मेरा तो PC है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है और मैं रात से ना इसको देख रहा हूँ। एक ब्लॉग एडिट हो गया, रेंडर नहीं हुआ अब तक। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level.
जस्ट कम्प्लीटेड माई लाइक वर्कआउट, और हमेशा आप कोई भी वर्कआउट करें उसके बाद स्ट्रेच करना ना भूलें। एक्सरसाइज के बाद अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी जो मसल है वो टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी और उससे आपको क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। अभी जो मेरा लास्ट मील है वो लूंगा और उसके बाद अपना जो एडिटिंग पार्ट है वो कम्प्लीट करूंगा। जो कल वाला व्लॉग था वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसको पोस्ट किया है, मेक श्योर आप उसको देखें, और जो भी कमेंट और कोई भी रिव्यूज हैं आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जैसा भी होगा मैं आपको उस पर रिप्लाई बैक करूँगा। डिनर में आज है राजमा, 100 grams ऑफ पनीर, 2 रोटी, 3 egg whites। अब मैं अभी डिनर करूंगा और उसके बाद अपना जो एडिटिंग वाला काम है वो करूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल। Happy birthday to you. एक बाइट लिया था भाई। करो करो, मेल्ट हो गई कैंडल। हैप्पी बर्थडे। सुबह से ही है। पांड्या कॉल पहले आप थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई। मेरे ना अभी जस्ट 10 मिनट पहले व्लॉग एंड किया था, 12 बज गए, तो 6 जुलाई आ गया, आज मेरा बर्थडे था। तो सोनी, साहिल पौदार और अजय धामा, धामा ये पीछे, और मम्मी, चारों पीछे से आके उन्होंने मुझे सरप्राइज किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सबके लिए। और ये वाला जो भी बर्थडे अभी सेलिब्रेशन हुआ था, मैं ये भी अभी इसी व्लॉग में, आज के व्लॉग में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी उसको मेरे साथ एंजॉय कर सकते। ठीक है, फिर मैं आपको मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।